में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनी, सुशासन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और तेजी गति से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक बड़े बड़े डिसीजन हुए। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं बनी, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, सुशासन हुआ, देश ने ऐतिहासिक फैसले लिए और एक मजबूत सरकार जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया, सभी का स्वाभिमान बढ़ाया, हर भारतवासी को एक गौरव प्रदान करने का काम और भारत को तेज गति से विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम इन 10 वर्षों में हुआ। विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कल एनडीए की जो संसदीय जो एनडीए के सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई, उसमें उनको नेता के रूप में उनको चयन हुआ है। मैं उनको भी बधाई भी देना चाहता हूं, शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में देश और तेज गति से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। जो विकास की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं हैं, वो तेज गति से आगे बढ़ेंगी। इधर चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं करनाल के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है और उन्होंने इस बात के ऊपर मोहर लगाई। पिछले 9 सालों में विकास हुआ है। करनाल के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये एक बड़ा विश्वास करनाल के लोगों ने व्यक्त किया है और करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मोहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है, पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। गरीब व्यक्ति तक वो सब सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि पिछला जो बजट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का बजट को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का कार्य किया था और उस बजट के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो, ये जिम्मेवारी हमारी डबल इंजन सरकार की है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक
वो लाभ पहुंचे उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा, चंद्रबाबू नायडू ने कल एनडीए को अपना पूरा समर्थन दिया। इंडिया गठबंधन कुछ भी कहे लेकिन हम एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा, चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 12 जून को होगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि कल चंद्रबाबू नायडू साहब ने पूरा समर्थन एनडीए गवर्नमेंट को दिया है। हमारा विश्वास है कि आंध्र प्रदेश की जनता के लिए एनडीए गवर्नमेंट में रहकर हमको पूरा लाभ मिलेगा, आंध्र प्रदेश की जनता को पूरा फायदा मिलेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ आंध्र प्रदेश को डेवलपमेंट करना है। पिछले 5 साल में जिस तरीके से आंध्र प्रदेश को अंधकार में झोंक दिया गया, उसको हमें निकाल के अब आंध्र प्रदेश को एक स्वर्णिम आंध्र प्रदेश बनाना है। हमारा यही डिमांड है कि हम आंध्र प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतरी का काम करें। जहां तक रही एनडीए गवर्नमेंट की पोजीशन, हम निसंदेह उनके साथ हैं। आपने चंद्रबाबू नायडू साहब का प्रभाव देखा भी होगा कि कल एक उनके हां कहने के बाद शेयर बाजार में किस तरीके का उछाल देखा गया, आज भी वो उछाल कायम है। मैं आपको बार बार बता दूं, इंडिया गवर्नमेंट कुछ भी, इंडिया गठबंधन कुछ भी समझे, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ लगातार रहेंगे। सर, आंध्र प्रदेश में भी तो आपने चुनाव, संभवतः 12 जून को चंद्रबाबू नायडू साहब का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया गया है और अन्य नेता भी आएंगे। उसके बाद ही जो भी होगा निश्चित समय पे और निश्चित डेट पे वो कैबिनेट का गठबंधन होगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं